क्यों अपना ही मूत्र पीते थे भारत के ये पूर्व प्रधानमंत्री और कहते थे इसे सस्ती दवा। पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई ने अमेरिकी पत्रकार डैन रेथर से अपने मूत्र पीने और इससे होने वाले फायदे पर एक घंटे का लंबा इंटरव्यू दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे बीमारियों से दूर रहने के लिए अपना मूत्र पीते थे। उन्होंने तब देश के गरीबों के बारे में कहा था कि जो लोग महंगी दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकते उनके लिए मूत्र पीना बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने मूत्र से आंख धोने वालों को कभी मोतियाबिंद न होने का भी दावा किया था। यह सिलसिला भारत में नहीं थमता। मशहूर गायिका मैडोना इस फेहरिस्त में शामिल है। अपने गानों से दुनिया को दीवाना बनाने वाली गायिका मैडोना के बारे में यह बात मशहूर है कि वह अपने पैरों की स्किन को ठीक रखने के लिए अपने पैरों पर पेशाब करती थीं। मशहूर ब्रिटिश अदाकारा सराह माइली ने 2007 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था कि उन्होंने 30 तक अपना मूत्र पिया है। इससे कैंसर समेत कई रोगों से बचा जा सकता है। इसी तरह अमेरिकी बेसबॉल के खिलाड़ी रोजर सलोही ने मूत्र का अनूठा इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे। बेसबॉल खेलने के सीजन में वसंत के मौसम में वे अपने हाथों पर दिन में 6 बार अपने हाथों पर पेशाब करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनको बेसबॉल खेलते वक्त ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। जापान व ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्टिस्ट लोटो मचिडा अपना मूत्र पिया करते थे। उनके पिता ने इसका खुलासा किया था कि वे और उनके बेटे अपना मूत्र पिया करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब वे खांसी से खासे परेशान थे। मशहूर अमेरिकी लेखक जेडी सालिंगर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे मूत्र थेरेपी में बहुत विश्वास रखते थे। इसका खुलासा उनकी बेटी के किताब से हुआ था।